हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने लावा के फ़ोन में जो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन होता है उसको हम कैसे इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को इनेबल एंड डिसेबल करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारे लावा का फ़ोन है, लावा के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है, उस मोबाइल सेटिंग्स को हमें ओपन कर लेना है। तो हम सिंपली सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी सेटिंग्स है, तो सिंपली हम मोबाइल सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद कैसे कुछ ऐसा इंटरवेज आपके पे शो होगा। तो हमको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन शो होता है, डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको जो ऑटो रोटेट स्क्रीन का ऑप्शन है सिंपली यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो सिंपली आप उसको इनेबल करना है तो सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो जब आप किसी भी ऐप को ऑन करोगे, ऑन करने के लिए अपने फ़ोन को रोटेट करोगे तो इस आपका जो फ़ोन है ऑटोमेटिक मतलब रोटेट हो जाएगा। और इसको अगर ऑफ रखोगे तो गाइस सिंपली जो आपका फ़ोन है वो रोटेट नहीं होगा किसी भी ऐप को ऑन करने के बाद। तो इस तरीके से ऑटो रोटेट ऑप्शन को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पर फोन साइज या फिर कैसे आपको कुछ भी चेंज करना है तो कैसे यहाँ पर आपको डिस्प्ले की सेटिंग्स मिल जाएंगी। बहुत सारी सेटिंग्स है, सिंपली ऐसे आप अपनी डिस्प्ले की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। तो जैसे हम डिस्प्ले साइज को चेंज करते हैं, जैसे हम इसको स्मॉल कर देते हैं, तो जो मेरी डिस्प्ले साइज देखिए स्मॉल हो चुके हैं, कितना छोटा लग रहा है। तो इस तरीके से अपनी डिस्प्ले सेटिंग्स कर सकते हैं डिस्प्ले की, जैसे हम इसको जो नॉर्मल करते हैं जैसे पहले था वैसे कर दिया, तो सिंपली हमारा जो डिस्प्ले साइज नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरीके से अपने आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।